Hello everyone. Today we are going to discuss the section 85 of the Indian Penal Code 1860. आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 85 भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। मैं आपको इस सेक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस सेक्शन में बात करेंगे कि कोई अगर पर्सन जो नशे की हालत में होता है और वो कोई ऑफेंस कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन जब वो नशा किया है उसने, वो उसने खुद ने नहीं किया है, उसको किसी व्यक्ति द्वारा करवा दिया गया है नशा जो उसकी नॉलेज में नहीं था वैसा नशा। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर किसी के ग्लास में कुछ नशीला दूध का ग्लास है, पानी का ग्लास है, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला के किसी को पिला दूँ और फिर वो कहीं जा रहा है और कोई ऑफेंस हो जाता है उससे, मान लीजिए वो ड्राइव ही कर रहा है और ड्राइव करते करते उसको बेहोश हो जाता है और ऑफेंस हो जाता है, तो वो पर्सन यहाँ पे सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफेंस जो किया है उसको ना तो उसका नेचर पता था और फिर वो जो उसने जो इंटॉक्सिकेट हुआ था, वो जो नशीला पदार्थ उसके पास जो उसने नशा किया था वो उसकी मर्जी से नहीं था, वो किसी की मिली भगत थी वहाँ पर। तो अब सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। एक्ट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन है उसका एक्ट इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो इनकेपेबल है, जो केपेबल नहीं है, जो लायक नहीं है किसके जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जजमेंट के कोई भी चीज़ को समझने के कि क्या सही है क्या गलत है, किस कारण से, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो नशे की हालत में जो नशीला चीज़ किसी पर्सन ने अगर ले रखी है तो वो जज नहीं कर सकता कि वो क्या एक्ट कर रहा है। कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, और जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है, जो उसको नशा हुआ है वो उसके विल के अगेंस्ट हुआ है, मतलब उसने वॉलेंट्री कोई भी ऐसा जो है ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंटॉक्सिकेशन वाली है वो उसकी विल से नहीं हुई, उसके विल के अगेंस्ट हुई है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, वो कोई भी ऑफेंस नहीं है जो किया जाएगा एक व्यक्ति द्वारा, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो ऑफेंस कर रहा है, मतलब ये जो सिचुएशन है उसने ऑफेंस करने से पहले उसका क्या एक्ट है और ऑफेंस करने के बाद क्या एक्ट है ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मैटर ये है कि जब वो ऑफेंस कर रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो इंटॉक्सिकेशन के कारण से, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो इनकेपेबल है, जो लायक नहीं है ये जानने के लिए कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या होगा, वो जो एक्ट कर रहा है वो सही होगा कि गलत होगा, और दैट ही इज डूइंग वॉट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और वो जो कर रहा है वो उसको नहीं पता है कि वो गलत कर रहा है या फिर वो कानून के विरुद्ध कर रहा है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, और जो उसको इंटॉक्सिकेटेड हुआ है, अगर उसने शराब पी रखी मान लीजिए, तो वो जो शराब है वो उसने खुद की जानकारी से और खुद की विल से, खुद की इच्छा से नहीं पी है, उसको किसी ने जबरदस्ती पिला दी है या फिर किसी और तरीके से उसके शरीर में वो शराब का पदार्थ जो है नशीला पदार्थ उसके शरीर में गया है, वो उसके विल से नहीं गया है। तो इस सेक्शन में जो मेनली बात है वो तीन पार्ट है कि एक ऑफेंस होना चाहिए जो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के साथ, मतलब एक व्यक्ति ऑफेंस करना चाहिए जो नशे की हालत में हो। दूसरी बात करिए कि वो जो ऑफेंस कर रहा है वो उसको नहीं पता होना चाहिए, वो इनकेपेबल होना चाहिए उसके नेचर के एक्ट का, कि भाई जो वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है वो उसको पता ही नहीं है, और कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, गलत है कि कानून के विरुद्ध है। और तीसरी बात करी है कि वो जो इसने ये नशीला पदार्थ का सेवन किया हुआ है वो उसकी विल से और उसकी नॉलेज में नहीं होना चाहिए, उसको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि ये नशीला पदार्थ मेरे को किसी ने दे रखा है, फिर मेरी मर्जी से ये मैं नशीला पदार्थ दे रहा हूँ, उसकी मर्जी से वो नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। इस सेक्शन में ये बात करिए। फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन लीजिए, कोई पर्सन है वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते 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 उसने देखा कि किसी की गाड़ी भिड़ गई है, तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है और सामने वाले से लड़ाई करना शुरू करता है, और वो अपनी फिर उसके पास एक रिवॉल्वर होती है और रिवॉल्वर से वो उस पर्सन को शूट कर देता है, तो यहाँ पे शूट कर गया और फिर वो भागने लगता है, तो यहाँ पे जो उसका एक्ट है भागने का, क्योंकि जब उसने ड्रिंक कर रखी है
मान लीजिए उसने ड्रिंक कर रखी है, वो उसकी विल के अगेंस्ट है कि उसने खुद की मर्जी से नहीं करी, वो नशे की हालत में किसी और के कारण हुआ है, किसी और ने उसको नशीला पदार्थ दे दिया इस कारण वो नशे की हालत में है। लेकिन जब उसने ये जो एक्ट किया है गन चलाने का और बंदूक चलाने के बाद वो भाग रहा है वहाँ से, तो ये शो करता है कि उसको ये पता था कि वो गलत कर रहा है, वो अपने नेचर को जानता था, उसके एक्ट को, उसका जो एक्ट का नेचर था उसको पता था कि उसने गलत किया है, तो इसलिए उस पर्सन को यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।